नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ, ये नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। अपने एक्शन लेने की जबरदस्त पावर की वजह से योगी जी का मॉडल केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फॉलो किया जाता है। मगर इस बार योगी आदित्यनाथ का जादू उन्हीं के यूपी में नहीं चल पाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ गया, जो महत्वपूर्ण सीटें भाजपा के कब्जे में थी, वो इस बार विपक्ष उड़ा ले गया है। इस परिणाम के बाद से ही सीएम योगी और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उनके चेहरे की मायूसी उनके जज्बे को कमजोर नहीं कर सकी, शायद इसलिए वो एक नई शुरुआत करने के मूड में दिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पाले में महज 33 सीटें आई हैं। भाजपा के सहयोगी के तौर पर रालोद ने दो और अपना दल एस ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है। इंडिया गठबंधन के तहत सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। एक सीट आजाद समाज पार्टी को गई है। ऐसे में यूपी के भाजपा चेहरे के तौर पेश किए गए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कयासबाजियां जारी हैं, जिससे कहीं न कहीं उनका हौसला कम पड़ सकता था। मगर ऐसा हुआ नहीं। यूपी में भले ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के आधार पर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाले सीएम योगी ने एक बार फिर मुद्दों पर फोकस किया है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार हो रहा है, एनकाउंटर्स की संख्या बढ़ गई है। वहीं विकास योजनाओं के जरिए वे लोगों के बेहतर जीवन स्तर की योजना पर काम करते दिख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई है। समारोह में भाग लेने सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे थे। रविवार रात को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी ने सोमवार की सुबह सीनियर नेताओं से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी तमाम नेताओं से औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं, मगर देखा जाए तो डबल इंजन सरकार के तौर पर केंद्र और यूपी सरकार को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत इन मुलाकातों को देखा जा सकता है। देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हलचल बढ़ी हुई है। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद से लगातार विवाद गहराया हुआ है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद बदली स्थिति के बीच सीएम योगी की दिल्ली में मुलाकातों का दौर कुछ नया लेकर जरूर आ सकता है, जो यूपी में बीजेपी को एक बार फिर बूस्ट देगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।